الله الرحمن الرحيم. الله الملك الحق لا إله لا يفلح الكافرون ورب العالمين. जो भी कोटा में सानिया हुआ है उनके शहदा भी उनकी आज तदफीन हुई उनको भी ज़हन में रखे तो ग्रेटनेस ऑफ पाकिस्तान You must not fall a victim to any pressure. Services is the backbone of the state. Government are formed, government are A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. आप कहते हैं म्यूटेशन भी आ गई. अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको बचाए. मुझे भी हुआ. मैं भी दो महीने तक बिस्तर में लेटा रहा. नेशनल हाईवे से मोटरवे पुलिस की 13,000 के करीब तादाद है. नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जनाब चौधरी सुल्तान एज अ प्रोवेंशियल चीफ उनके साथ कहां तक पहुंचे. मीडिया और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तमाम अफसरान की तरफ से आपका इंतहाई मशहूर कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला. थैंक यू सर. राणा अब्दुल्ला साहब जी नेटवर्क से जे न्यूज और आज न्यूज के लेकिन आपके इदारे में कुछ ऐसे नौजवान है उनकी तनख्वाह FIA के बराबर से कम है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ऑयल कंपनियां हैं इनके जो ड्राइवर हैं जो अमूमन कराची से शिवपुरा सफ़र करते हैं एक ड्राइवर होता है जो अमूमन हमारे ये मोटरवे M3 पे तकरीबन ये 3-4 माह में 3-4 हादसा हो जाते हैं. वो सो जाते हैं. क्या आप इन कंपनियों को पाबंद नहीं कर सकते कम अज़ कम इतने लंबे टूर पे दो ड्राइवर लाजमी होने चाहिए. ये अक्सर हादसे ड्राइवर के सोने की वजह से पेश आए. आपने बजा फरमाया मोटरवे जब 23 साल पहले बनी थी तो मोटरवे का एक बड़ा स्पेशल पैकेज था. ओवर द ईयर्स हमारे कोई स्लाइड चैलेंजेस हैं लेकिन गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट अप और अब बहुत जल्द एक अच्छी खबर सुनेंगे कि हमारे जो एमोलूमेंट्स हैं जो तनख्वाहें हैं आप देखिएगा कि बाकियों से भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे. ये आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है. हमने बात भी की उनसे पब्लिक सर्विस व्हीकल से और ऑयल कंपनीज से कि दे मस्ट हैव एटलीस्ट 8 घंटे ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं चला सकता. लेकिन हमारी पूरी मुहिम है एंटी डोजिंग की. हमने एंटी डोजिंग डिवाइस भी अभी हाल ही में जो इंट्रोड्यूस किया है कि हम वो मैंडेटरी कर रहे हैं ताकि डोज ना करें. लेकिन 3 ड्राइवर्स की बिल्कुल आपकी बात बजाय हम उस पर फोकस करेंगे. मैं एक बात कर रहा हूँ. आपने कहा कि तनख्वाहें बढ़ा देंगे लेकिन नफरी जो कम है उस पर आपकी तवज्जो नहीं है. जी ना आपने बात की है. जी हाँ हमारे यहाँ 19 नई रोडें बन रही हैं और उस हवाले से हम तकरीबन 10,000 के करीब हमारा जो है आइंदा भर्ती का प्रोग्राम है 1.5-2 साल में उसके फेज़ 1 हमें तकरीबन हमारा कम्प्लीट हो गया. 1800 से ज़्यादा लोग अभी हमने रिसेंटली ज्वाइन किए हैं. अभी मजीद भर्ती हमारी चल रही है और हमें उम्मीद है इस साल 2000 हम मजीद करेंगे. भर्ती स्टेजेस में होगी फेजेस में होगी क्योंकि उनको आपने ट्रेनिंग भी करानी है. लेकिन आप देखिएगा कि हमने ये किया है कि जो JPOs और APOs हैं उनको भी हम फील्ड ऑपरेटिव्स के तौर पे ला रहे हैं. दूसरा हम थोड़ी सी रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं अपने सर्विस स्ट्रक्चर में मोटरवे में. उससे आप देखिएगा कि ऑपरेशनल ऑफिसर्स में इजाफा होगा. सर आपकी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपको IG पुलिस जो है वो पंजाब का लगाया जा रहा है. कहाँ तक इसमें जो है वो सच्चाई है. अल्लाह ताला जो है मुझे नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस में कायम और दायम रखे. आप मेरी दुआ कीजिएगा कि मैं जितना अच्छा नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस में हूँ तब्दीली लाऊं बेहतरी करूं और अपने लोगों के काम आ सकूं. ये मोटरवे और नेशनल हाईवे जितने भी जो डकैत पकड़े जाते हैं ये डकैती के वो अक्सर छूट जाते हैं. या तो आप उनका पीछा नहीं करते या फिर आगे पुलिस उनको बगैर 1 माह के बाद वो लोग बाहर नजर आ रहे हैं. इस पर बड़ा डिटेल हमने भी एक्सरसाइज की है
दो किस्म के जो चीज़ें हमें चैलेंजेस आते हैं नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस पे, एक है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स के हवाले से हमने सारे विक्टिम से रबता किया है और बहुत से केसेस चलान हो गए। दूसरा क्राइम, जिसकी आपने बात की है, तो क्राइम के हवाले से भी सारे विक्टिम से जो पिछले 2-3 सालों में केसेस हुए हमारे ऑफिसर्स ने उसकी मैट्रिक्स बनाया, उन तक बातचीत की है, उन लोगों तक गए, उनमें भी कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग चलान हुए। लेकिन ये दो एरिया ऐसे हैं जो कि हमारे आप समझे वीकली और मंथली जो प्रोग्रेस है उसमें हम फॉलोअप करते हैं कि जो भी हादसात हुए हैं, जो भी क्राइम हुआ है, हम फॉलोअप कराते हैं। बेसिकली तो डिस्ट्रिक्ट ने करना है, लेकिन दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद अस और उनकी मदद से हम करें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि सेक्टर 2 जो M4 है, वहाँ पर आज से महीना डेढ़ पहले वहाँ पर कोई फाइन की जो रेशियो थी वो बिल्कुल फ्री था, तो अब से जो नए सेक्टर कमांडर आए हैं पता चला एक सख्ती वहाँ पर बहुत हो चुकी है। और सेकेंड मेरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह से आपने जहाँ पर भी दुराने सर्विस ड्यूटी की है, जिस एरिया में भी, उसको यादगार बनाया, तो क्या आप मोटरवे पुलिस जो पाकिस्तान की एक अच्छी फोर्स समझी जाती है, तो इसको भी यादगार बनाने के लिए कोई प्लान किया है आपने? जी हाँ, हमने मास्टर प्लान बनाया है। हम समझते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अगले 5 साल या 10 साल के लिए सोचना चाहिए। उस हवाले से सुल्तान साहब ही को हमने टास्क किया हुआ, इन्होंने पहले हमारा एनुअल प्लान बनाया, उस एनुअल प्लान में हमने आइडेंटिफाई किया हमारे गोल्स क्या हैं और उसको हम कैसे अचीव करेंगे। इसी तरह 5 ईयर्स मास्टर प्लान में हमारा लैंड एक्वायर करना है, पर्पस ओरिएंटेड बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन करनी है, जो हमारी बीट की गाड़ियाँ हैं जिस रेशियो से चल रही थी उसमें इजाफा करना है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक में इजाफा हो गया। इसी तरह ट्रामा सेंटर का क्याम, इसी तरह जो रोड पर जो सर्विस एरियाज हैं उसमें बेहतरी लाना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अब हम ऑन स्पॉट करेंगे। आप देखें, हमने हर टोल पर तकरीबन अपने कैबिन्स और स्टॉल लगा दिए हैं, वहाँ हम मैंडेटरी कर रहे हैं कि हर गाड़ी में कॉन्स होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, और इसी तरह वो साजो सामान होना चाहिए जो किसी मुसाफिर को सफ़र करते वक्त, जब वो घर से 4-5 घंटे के सफ़र पर जा रहा है, जो ज़रूरत पेश आ सकती है, उस हवाले से हम ऑन स्पॉट उसको बेचना चाह रहे हैं, ऑन स्पॉट देना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से उससे फ़र्क पड़ेगा। आपने वॉयलेशंस की बात की, यहाँ इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, उसमें खासी बेहतरी आने वाली है। तो आप देखिएगा कि उसके बाद जो है, ये जो हम सड़क पे हमें बाज़ दफ़ा फोर्सफुली रोकना पड़ता है, वो मेथोडोलॉजी हमारी चेंज हो जाएगी। हमारे सेक्टर कमांडर्स और हमारे जोन कमांडर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और आप दुआ करें हम मज़ीद अच्छा काम कर सकें, और हम अपनी नफरी को मोटिवेट करते हैं हर वक्त, उनकी सलाहितों में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके तवस्सुत से मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप खुद, आपके रिश्तेदार अजीज़, आपके बच्चे जब गाड़ी सड़क पर चलाएँ, उनको बताएँ कि जो ट्रैफिक कवानीन है उसको फॉलो करें। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, आगे पीछे दोनों पहनने वाले पहने हेलमेट, गाड़ी लेफ्ट पे रखें, तेज़ रफ्तारी ना करें, वो पैसेंजर ज़्यादा ना बिठाएं, मोटरसाइकिल पे जितने दो बंदे बैठने तो दो ही बिठाएं। इससे ना आप गाड़ी चला रहे हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, लेन वॉयलेशंस ना करें, उसका अपने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। देखें, आप अपनी और दूसरों की जान खतरों में ना डालें, बार बार ये मैसेज दें। मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया में हलाकतों की वजह बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन ट्रैफिक एक्सीडेंट इज़ वन ऑफ देम। हम सब ने मिलकर इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि मैं और आप सड़क पे मौजूद हैं, जब हादसा होगा तो किसी का जानने वाला होगा, हम बचा सकते हैं उनको। तो रोड के मेयार को बेहतर नहीं बनाया जा रहा है? M4 अभी रिसेंटली तमीर हुआ है, लेकिन जो इस्लामाबाद का मोटरवे है और इससे अगर कंपेयर करें